पार्टी में देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना है। बारा साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर। यूनाइटी के अंडर में आता है, एक थेम पानी नहीं है, नुकसान पराठे है, कुण्या प्रकारे जगाओ ह्याच मला मोठा प्रश्न आहे। देश का जो मेन प्रॉब्लम है कास्ट, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ सड़क पर आना पड़े, प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है। आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य, स्वागत है आवाज आपकी में। इस समय हम उल्लासनगर के C3 में हैं, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को हमारे साथ में सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से कैमरामैन नितिन, मेरा आपसे अनुरोध है एक बार यहां पर कैमरा घुमाइए और लोगों को दिखाइए कि किस तरीके से लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का हम उनका एक जरिया है, एक माध्यम है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम उनकी पूरी समस्याओं को यहां पर सुलझा देंगे, लेकिन इतना उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके और जो जो परेशानी उनके इलाके में है उसे कुछ तरीके से निजात मिल सके। जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं भी हैं हमारे साथ बड़ी संख्या में, वही हम बात करें तो बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर अब तक उनके इलाके में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से लगातार जो सरकार है या जिस तरीके से यहाँ के नगर सेवक है उन्होंने जो वादे किए थे, क्या वाकई में वो वादे यहाँ पर पूरे हुए या केवल यहाँ पर हवाओं में बात की गई थी। आपसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले ये जानना है कि आपके इलाके में क्या क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से आप लोग इन सारी चीज़ों से परेशान हैं। जी, हमारे एरिए में शुरू से मतलब पानी नहीं था, तो पानी का समस्या तो अभी मतलब फिलहाल गया समस्या, पानी मिलता है, लेकिन बाद में अभी क्या हो गया है, पानी मतलब जो सार्वजनिक बोलते ना, मतलब ऐसा सब नल करा के पर हर चाल में, तो वो चाल का सिस्टम हम लोग को बंद करना है। क्योंकि क्या, जब भी हमारा पहला पानी का कैसा था, मतलब घर में आ रहा था, जब भी कि वो पहला दिन आगे ना आए ये सोच के हम लोग जाने वाले थे, लेकिन बहुत बार ऐसा मतलब सोच के गए फिर भी नहीं हो रहा है। वो बाहर का बंद करेंगे तो अंदर घर में पानी आना चाहिए, कैसा अभी सबको सुविधा है। अभी ये साल में तो कैसा है, बारिश बहुत गिरा है, मतलब जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा ही गिरा है, तो घर में आना ही चाहिए, ये एक तकरार है हमारा। मतलब पानी आपके इलाके में सही तरीके से सही टाइम पे नहीं आ रहा है? नहीं आता है, उसका टाइमिंग ही नहीं है बिल्कुल। जिस तरीके से इनका कहना है कि पानी तो दी जा रही लेकिन उसके समय निर्धारित नहीं किया गया है, जिस तरीके से और भी लोग हैं हम उनसे जानेंगे। आपसे जानेंगे सर, कितनी समस्याएं हैं आपके इलाके में, क्या क्या दिक्कतें हैं? लाइट तो बराबर टाइम पे कभी आता है कभी नहीं आता है जी। पानी का समस्या तो अभी मैडम ने बताया ही है कि पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। एक्चुअली तो घर में पानी आना चाहिए ना, हम लोग पूरा टैक्स भरता है, सब कुछ करता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलती है, कोई आके देखता भी नहीं है। रोड भी ऐसा कंडीशन है, आमदार भी आके गया, सब लोग आके जाता है, देख के जाता है, लेकिन कोई करता कुछ नहीं है। फिर आश्वासन में क्या बोला जाता है? आश्वासन में तुमको रोड बनाया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब बड़ी बड़ी बातें बोलते, करते कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। सर, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? अभी 2003 से इधर ही है। 2003 से क्या क्या दिक्कतें अब तक आपने यहाँ पे झेली है? पानी का, रोड का, गटर, गटर साफ करने का, गटर तो पूरा ही 2005 से जितना बारिश हो गया था वो टाइम से गटर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, और टैक्स पावती किधर भरने का वो भी देखना मांगता है, सब पब्लिक को जानना मांगता है, तो किधर टैक्स पावती भरना मांगता है, रोड का लाइट मांगता है, और पानी का समस्या मांगते हैं, तो पानी टाइम पे मिलना मांगता है। लेडीज़ लोग घर में रहता है, कोई कोई सर्विस जाता है, जिसका टाइम रहता है वो टाइम पे घर पे रहेगा ना लेडीज़, नहीं तो नहीं रह सकता है, नहीं तो पानी दिन भर नहीं मिलेगा तो 2-3 दिन पानी ही नहीं मिलता। कितने समय तक आपके एरिया में पानी आता है आपके इलाके में? हफ्ते में सिर्फ एक या दो बार आता है बस, हफ्ते में एक या दो बार। तो किस तरीके से आप लोग पानी किस तरीके से इकट्ठा करके रखते हैं? बाहर से भरते हैं लोग सब पानी, कोई घर में पानी आता नहीं है, कभी घर में पानी आता नहीं है, सब लोग अपना अपना हांडे से भरता है, तो कितना भरेगा पानी ऐसा। कितने नल हैं आपके एरिया में, कितने नल कितने बनाए गए हैं? हर घर में नल का कनेक्शन है, इन लोगों ने कनेक्शन तोड़ दिया बाहर का, सिर्फ बोलता है सब में बाहर आके अंडा कलसी लेके अपना अंडा लेके भरो, अभी इतना पानी का तो सुविधा ही नहीं। तो कहाँ पे नल कितने लगाए गए हैं, जिस तरीके से घरों में छोड़ के अगर एरिया में अगर हम बात करेंगे कितने नल हैं? हर चाल में एक एक नल दिया है सार्वजनिक, सार्वजनिक नल एक एक दिया है। पब्लिक एक एरिया में कितना रहता है? एक चाल में कम से कम 20-25 किधर 30 रूम ऐसा रूम है, तो टोटल बोले तो इधर 1001 घर है गणराज कॉलोनी में, सिर्फ 10 नल इधर। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं घरों में नल की सुविधा की गई है लेकिन घरों में पानी नहीं आता है, इसलिए मजबूरन उन्हें घर के बाहर जो है यहाँ पर पानी भरना पड़ता है। आपसे जानेंगे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, पानी आपके घर में नल है? नल है लेकिन पानी नहीं आता, बाहर से भरना पड़ता है। आप लोगों में कितने लोग एक एरिया में कितने लोग रहते हैं और कितना नल आप लोगों को दिया गया वहाँ पर पानी भरने के लिए? 7-8 नल दिए है, हर चाल में 1-2 करके दिए है,
हर चाल में, और बाहर से ही पानी सब भरते हैं। कितना समय लगता है एक जन को, अगर हम बात करें आप अगर अपने घर में पानी भर रहे तो आपके कितना समय जाता है? आधा घंटा जाता है पूरा पानी भरने को। पानी कितने समय तक आपके एरिया में, इलाके में, अगर हम सार्वजनिक नल की बात करें? टाइम ही नहीं, उसका टाइम ही नहीं, कभी आता है कभी रात भर रहता है कभी आता ही नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? पानी की समस्या है, हफ्ते में एक बार आता है, अभी इतना पानी गिरा फिर भी हफ्ते में एक ही बार आता है। हम की समस्या है कि दिन में एक दिन छोड़ कर एक पानी आना चाहिए, और गटर पूरा भर जाता है, आते जाते ही गटर में पाव जाता है, कीड़े ऊपर आते हैं, बहुत समस्या है। जिस तरीके से गंदगी की अगर हम बात करें या नालों की सफाई की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, आपसे जानेंगे क्या क्या दिक्कतें हो रही है? हमारा संडा सचिव सुविधा कराया पाजे, संडा है घर पर घान जात नहीं, प्रत्येक टाइम बंगीरा बोला लगता है, घान काढ़ावा लगते नहीं तो वरती कीड़े चलते घरामध्ये सगळं काही, संडास बाथरूम आहे, नाला नाही आहे, संडासाच्या कुंड्या बांधेल नाही, संडासं बनवून दिले पण सगळी वरती किडे चालतात, पाण्याची साफसफाई केली आते नाही यावर कोणी। आम्हाला पैसे देऊन करावं लागतं, लोक कशाला येतील साफसफाईला, आम्हाला करावं लागतं घरी। बिलकुल, आपसे जानेंगे कितने सालों से आप रह रहे यहाँ पे, कितने साल हो गए आपको? आम्हाला 3 वर्ष झाले। क्या क्या दिक्कतें हुई यहाँ? आता हे रोडाचं आहे ना जी, रोड बराबर नाही आहे, खड्डे खड्डे आहे सगळे, तर मग तिथे पडले एक दिवशी मी, माझा पाय फ्रॅक्चर झाला थोडा। नगरसेवक को अरे यहाँ पे UMC वगैरह से मिलते? कोणी येतच नाही, तिथून मंदिर कडे येतात तिकडूनच फिरून तिकडे जातात, इकडे कोणी येतच नाही, इकडे किडे चालतात, इकडे नाले आहे, नाल्यामध्ये कोणीच बघत नाही, फक्त मांगे आहे घाण, पुढे आहे सच्चे, पुढे सच्चे आहे मांगे घाण आहे, सगळी घाण मांगे आहे, आणि मग ते मांगे घाण कोण बघणार? मांगे घाण बघायला पाहिजे ना, पुढे सच्चे बघायचं, वाटत सच्चे आहे माझा, मागे पूर्ण खान आहे। आपसे जानेंगे क्या क्या दिक्कतें हो रही है, आप हाउस वाइफ है या बाहर जॉब के लिए जाते हैं? बाहर जॉब के लिए जाती हूँ, लेकिन तो पानी का समय मुझे पूछना है आपसे कि पानी का समय आप किस तरीके से पानी भरते हैं? अगर मिल जाए तो रात में छोड़े तो आधी रात को, सवेरे मिल जाए तो मिल जाता है, नहीं तो फिर मिलता ही नहीं है। हफ्ते में 2 बार ही पानी आता है, उसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर लेके आने का, हंडा लेके आने का, और सार्वजनिक नल दिया है उधर से भरने का, फिर जितना भरा जाए उतना भरने का। बिल्कुल, तो आप जॉब को और पानी भरने के समय को कैसे आप मैनेज कैसे करते हो? नहीं होता है मैनेज ही नहीं होता है। रात में नींद निकाले, जॉब का टेंशन ले कि पानी भरे, मैनेज होता ही नहीं है। क्या चाहती है, किस तरीके से पानी की सुविधा आपके इलाके में होना चाहिए? हर रोज पानी मांगता है, चाहे एक घंटा हो हर रोज पानी मांगता है, लेकिन घर में पानी मांगता है हमको। बिल्कुल, आपसे जानेंगे काकी कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? 13 साल से रह रही है। क्या क्या दिक्कतें हो रही? पानी का ही दिक्कत है और रोड का दिक्कत है। शौचालय वगैरह आपके यहाँ पे नहीं है? अच्छा नहीं है, वो भी चैम्बर ही नहीं है, नाली ओपन है सब, और बाहर पानी निकलता है, और बच्चे लोग का, सब बच्चे लोग का पार पैर जाता है पानी में, गंदा पानी में, बच्चे लोग ऐसे ही उठाते हैं, बॉल विल डाल देते हैं, वैसे ही उठाते हैं और अंदर चले जाते हैं बच्चे लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है महिलाएं अपनी समस्याएं जो है बता रही हैं, जिस तरीके से कई महिलाएं ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो बाहर जॉब के लिए जाती हैं, लेकिन पानी का समय ऐसा है कि वो पानी और घर को संभालने के लिए कहीं ना कहीं असमर्थ रहती हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से उल्लासनगर के हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहां की समस्याएं से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं आपके एरिया में। आमच्या एरिया मध्ये कचऱ्याची गाडी 8 दिवसांनी एकदा येते, 8 दिवसाचा कचरा कुठे साठवून ठेवायचा? तिथे फेकायला गेलं की ते लोक ओरडतात, इकडे टाकला तरी ओरडतात। कचऱ्याची गाडी 8 दिवसांनी एकदा येते, पहिले 2 दिवसांनी यायची, 4 दिवसांनी यायची, आता 8 दिवसांनी येते, ती मग काही दिवसांनी बंद होऊन जाईल गाडी। बिलकुल, आप क्या कहना चाहती है, क्या क्या परेशानी आप किन किन चीजों से जूझ रही हैं? लाइट नहीं है, जब भी से आया तभी से रोड तो नहीं है, बारिश में तो चलने को नहीं होता है, कभी पैर भी फिसल जाता है, और जब भी पानी आता है घर में तो एक लाइन को आता है, सामने वाली लाइन को आता है, और दूसरे लाइन को थोड़ा भी नहीं आता है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम आपसे जानेंगे क्या क्या दिक्कतें अब तक आपने यहाँ पे रहते हुए देखा है। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ, पानी की तो है ही है, और इसके अलावा बहुत सारी समस्या है, रोड की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, बारिश के दिनों में यहाँ चलने को नहीं होता है, गाड़ी चलती है तो स्लिप
होती है और लाइट तो रहता ही नहीं। हम लोग सवेरे काम पे निकलते 5 बजे तो यहाँ अंधेरा ही रहता है, जाए कैसे, पूरा अंधेरा ही रहता है, लाइट ही नहीं है। और हमारे चाली के यहाँ बहुत सारा गटर का पानी है, ऐसे जाते तो पूरे मतलब पूरा गंदगी बाहर रहती है, वैसे ही हमको जाना पड़ता है। और बहुत सारे मच्छरों का प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या है। तो आप लोग कभी कंप्लेंट वगैरह लेकर गए हैं UMC वगैरह या यहाँ नगर सेवक जो हैं, या जिस तरीके से जो यहाँ पे आते हैं साफ सफाई कर्मचारी, उनसे किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं उनको? हम लोगों के यहाँ कर्मचारी आते हैं, हफ्ते में 15 दिन में आते हैं, उनसे बात करते तो वो लोग हम पर मतलब ज़्यादा गुस्से से ही बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं यहाँ पूरा गटर साफ नहीं हुआ है, कोई मतलब ध्यान ही नहीं ज़्यादा देता है, इतना कचरा, हाँ कोई नहीं सुनता है। हम लोग उनको बोलते हैं गटर का पानी सब चौकअप हो गया है, पूरा पानी चाली में घुस रहा है, बाहर से सब बच्चे ऐसे ही अंदर आ रहे हैं, सब कचरा ऊपर आ रहा है, कोई सुनते नहीं हमारे। बिल्कुल आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अगर हम साफ़ सफाई की अगर बात करें यहाँ पे कितना होता है, जिस तरीके से हर इलाके में बोला गया है कि दवे का छिड़काव करना चाहिए ताकि महाबीमारियाँ जो फैली हुई हैं ना फैले, तो आप लोगों के इलाके में कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई हैं? नहीं होता, हमारे एरिया में कोई आता ही नहीं दवाई, ऐसा मच्छर डेंगू के साथ है, कितना मलेरिया का साथ है, कोई आया ही नहीं अभी तक। और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर अब तक उन्होंने किन किन समस्याओं को देखा है। आपसे जानेंगे, क्या कहना चाहती हैं आप? सबसे पहले हमारे एरिया में एक कचरा पेटी होना चाहिए जो कि नहीं है, इतने दूरों में कहीं नहीं है, एक जगह भी नहीं है। अगर कचरा वाला गाड़ी कभी एब्सेंट हुआ तो हमारे घर में 4-4 दिन का कचरा रखना पड़ता है हमको घर में, क्योंकि यहाँ आसपास फेंकेंगे तो कचरा ही होता है, और है हर जगह ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन झगड़ा भी होता है इसके कारण। सबसे पहले एक कचरा का पेटी होना चाहिए कम से कम हर चाल के आगे, ऐसा मतलब वो हमको चाहिए ही, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। और मेन है कि यहाँ पे कोई कंप्लेन लेके भी नहीं जाते हैं, सब जैसे आज इकट्ठा हुए हैं ऐसा कभी पब्लिक होते ही नहीं। ये मानती हो कि एक साथ में नहीं आने की वजह से यहाँ की जो पब्लिक है सुविधाओं से वंचित है? हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा है, क्योंकि सब एक साथ कहीं जाते नहीं है। अभी पानी का ही तकलीफ हुआ तो 2-4 लोग गए, 2-4 कोई जॉब वाले हैं, किसी के बच्चे का स्कूल का टाइम है, मतलब सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सब एक साथ नहीं जा पाते हैं। इसके लिए अगर आप आज पहुंचा रही हो तो सबसे पहले यही पहुंचाओ, यहाँ एक कचरा का पेटी हर चाल के आगे होना चाहिए। पानी का तो जो दिक्कत हो तो आप सुनी ही हो, बहुत दिक्कत है, रोड का भी वही प्रॉब्लम है। और आज दिन से अब यहाँ इतने मच्छर आएंगे 3 महीने तक सोना बैठना उठना जगना सब परेशान रहते हैं, बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हर दिन मतलब कम से कम लोगों का घर का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है मच्छर के कारण, क्योंकि अभी तक नहीं था लेकिन अब आएगा, ये 2-3 महीने हम लोग बहुत परेशान रहते हैं मच्छर से, तो उसका तो कोई छिड़काव आता ही नहीं है कभी नहीं। छिड़काव के लिए यहाँ पे किसी तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं? आती ही नहीं है वो लोग कभी नहीं, मतलब अब किसको बताया जाए, वो भी यहाँ के पब्लिक को उतना पता नहीं है। सबसे मेन मेरे को वही लगता है, सबको पता भी होना चाहिए कि हम कंप्लेन आखिर लेके कहाँ जाएं, जो हमारा पहुँचे वहाँ तक। पहले ग्राम पंचायत में सब जाते थे, पानी नहीं होता था तो जाते थे कि बाबा उनसे बोलेंगे वो हमको देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कहाँ जाना है वही पब्लिक को नहीं पता है। ज़्यादातर अगर महिलाएं निकलती हैं, पुरुष तो घर पे होते नहीं है, सबके पुरुष अपना काम पे गए, संडे होता है, संडे को और भी काम कितने सारे होते हैं पूरे, तो महिलाएं निकलेंगी लेकिन उनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो लोगों को जो है जानकारी नहीं है कि आखिर अगर उन्हें कंप्लेंट देना है तो वो जाएँ कहाँ? आपसे जानेंगे काकी, कितने साल से यहाँ पे रह रही हो, क्या क्या परेशानी से आप अब तक जूझ रहे हैं? 15-16 साल हो गए रहने को जी, यही पानी का दिक्कत है, ये रोड चलने का बरसात में इतने इतने गटर रहता, ये इस कचरे का ये पीछे गटर है, अंदर कीड़े आते, कुछ सुविधाएं नहीं इधर, बिल्कुल सुविधाओं से वंचित है यहाँ का इलाका जिस तरीके से। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, आपसे जानेंगे काकी, कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हो और क्या क्या दिक्कतें अब तक आपने देखी हैं? जी अब इधर पानी नहीं है और रास्ता ख़राब है और नाली भी सफा नहीं है, कचरा को भी डालने को कुछ इधर नहीं है, गाड़ी नहीं आती है रोज़ कभी कभी आती है 8 दिन में 12 दिन में, तो यही सही सब कुछ है। बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान हर एक इंसान की ज़रूरत है, लेकिन अब तक ये चीज़ें जो हैं लोगों के पास नहीं पहुंचा है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सुविधाओं से लोग अब तक वंचित हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कि आखिर अपनी चीज़ों को अगर उन्हें लोगों तक पहुँचाना है तो कहाँ जाएँ और किससे मिलें। आपसे जानेंगे, आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप जब जाते हैं UMC की अगर हम बात करें या यहाँ के नगर सेवक की बात करें या बाबुओं की बात करें, तो आप लोग किस तरीके से वहाँ पर जाते हैं, क्या क्या उनकी तरफ से संतावना मिलती है आपको? मतलब पहले तो हमारे इधर पानी नहीं आ रहा था, पानी का सुविधा था फिर भी नहीं आ रहा था, घर में भी नहीं और बाहर भी नहीं। फिर उन लोग ने नगर सेवक मिले हम लोग, तो उन्होंने क्या किया कि तुम लोग को हर चाल में एक नल देता है, तो नल पर पानी मिल रहा है सबको, लेकिन सबको दिक्कत है ना पानी घर में लाने को,
कोई जॉब वाला है, कोई बच्चे छोड़ने को जाते हैं स्कूल में, तो वो सब नहीं कर पाती। इसके लिए हमारा पानी का बहुत समस्या है। हम बहुत दिन से भी सोच रहे हैं कि जाए तो किसके तरफ जाए, कि हमारा घर में पानी आना चाहिए, जो भी सुविधा है वो घर में ही मिलना चाहिए। गंदगी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कचरा पेटी नहीं है, अगर यहाँ पे लोगों का कहना है, तो आप लोग कचरे को कहाँ पे रखते हैं, घर में किस तरीके से परेशानी होती है कचरा जब घर में जमा रहता है? घर में तो बहुत गंदगी होती है। अभी एक दिन में कचरा फेंक सकते तो ठीक है, लेकिन तीन तीन चार पाँच छः दिन आती नहीं गाड़ी, तो घर में ही रखना पड़ता है। घर में ही गंदगी होती है, घर में बास आता है, फिर उससे बीमारी भी आता है, फिर क्या करें? लेकिन कचरा डाले तो भी किधर डाले? अभी अपने को भी समझता है, दूसरे को भी सेवा चाहिए। अभी अपना गंदगी निकाल के दूसरे के दरवाजे में डालेंगे वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग घर में ही रखते, जब भी गाड़ी आए जब भी कचरा डालते। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग यहाँ पर मजबूर हैं घरों में कचरा रखने के लिए, जिस तरीके से 8-9 दिन तक जो है कचरे की गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आती, और आसपास में कहीं उन्हें कचरा फेंकने के लिए कचरे की सुविधा भी नहीं की गई है, ताकि वो कचरे को पेटी में फेंक सकें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से लगातार हम उस इलाके में जा रहे हैं जहां पे असुविधा बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रतिआरोप का दौर कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार यहां पर जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं, केवल हम कहें तो हवाओं में बातें की जा रही हैं, लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं केवल वहाँ पर नामात्र या कागज पर जो है कई सुविधाओं की बात की गई है, लेकिन अब तक वो सुविधा लोगों तक नहीं पहुँची है। आपसे जानेंगे जिस तरीके से लगातार यहाँ की, आप जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड की बात करें या आसपास में कॉलेज स्कूल है, तो किस तरीके से आप लोग उनसे जूझ रहे हैं, उन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं? मतलब मेरी खुद की बेटी कॉलेज पढ़ती है, तो किसी को अगर पता बताए कि तेरा कॉलेज कहाँ पे, तो बोलती सेंट पॉल कॉलेज कहाँ पे, जहाँ डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे, ये पता होता है। बोलती मम्मी अच्छा नहीं लगता है, बोलता है कोई ऐसा बोलता है तो, लेकिन पढ़ना है तो किधर भी पढ़ना है, डंपिंग ग्राउंड हो या कचरा हो या कीड़ा हो या बास आए, पढ़ना है तो किधर भी पढ़ना है। और कचरा गाड़ी अगर नहीं आती है, 8 दिन के बाद गाड़ी आती है, तो घर में बास आता है, बहुत बास आता है, तो उठाते हैं कचरा उधर लेके जाते, डाले तो किधर, जिधर है खुला उधर ही लेके जाते हैं। तो सेंट पॉल कॉलेज और कॉलेज के बाजू में पूरा डंपिंग ग्राउंड बना दिया, और उसके पास में ही सार्वजनिक नल दिया है पीने का पानी का। सब औरत लोग उधर आती है, पानी भरती है, बास भी लेती है, गंदे कचरे का बास भी लेती है और पानी भी भरती है, वही पानी पीने के लिए लेके जाते हैं वो लोग, और उधर से ही सब गंदगी चालू हो जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पानी की अगर हम बात करें या कॉलेज की बात करें, वहाँ पे कॉलेज बनाया गया लेकिन उसके बगल में ही ठीक वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है। कई बार उन्हें खत्म करने के लिए वहाँ पर जो है आग की जो धुओं की अगर हम बात करें, वो धुएं भी जाते हैं, बच्चों को बीमारी का कहीं ना कहीं एक हम बोले तो वो भंबार बना रहता है, और लोगों पर किसी न किसी तरीके से असर होता है क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं। आपसे जानेंगे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, जिस तरीके से कॉलेज के बाहर डंपिंग ग्राउंड की बात करते हैं, तो उस पर बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, हमेशा बीमार रहते हैं, दवा कराना पड़ता है। यहाँ जो एक खंभे का लगाया हुआ, इसका कैपेसिटी उतना नहीं है, सिर्फ एक खंभे के ऊपर इतना लोड दे दिया गया है, कभी अगर गिर गया तो कितने लोग मर सकते हैं, कितना तकलीफ हो सकता है, सब देखते हैं। इनका एक जनशक्ति चैनल उस पर बताता है, इतना फंडिंग हुआ है, उतना फंडिंग हुआ है इस एरिया का डेवलपमेंट के लिए, पर डेवलपमेंट बोले तो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है। हमेशा आप 2 दिन बताएंगे तो यहाँ से पानी निकलता रहता है, रोड पर गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ नहीं आ सकते, बहुत तकलीफ होता है, इतना कुछ हिसाब ही नहीं, एनी टाइम स्मेल आते रहते, बास आते रहते हैं, कहाँ निकले, बाहर निकले सिर्फ बास आता है, घर में इतने मच्छर लगते हैं, बहुत तकलीफ, बेहिसाब तकलीफ है यहाँ पे। सिर्फ न्यूज़ में दिखाते हैं कि उनके खुद के चैनल पे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिकाना, पर होने के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। पानी बाहर का कनेक्शन दे दिए है, 24 घंटे पानी आते हैं, हम बोलते हैं हमको 24 घंटा पानी मत दीजिए, 1 घंटा पानी दीजिए, घर में पानी है, हम उसमें हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हमको जरूरत नहीं है 24 घंटे का। क्यों? बाहर इतना गंदगी, इतना बास आता है, सब पानी को भी नीचे गिरते रहते हैं, उससे और गंदगी फैलती है, सिर्फ मच्छर लगते हैं, हमेशा हॉस्पिटल में जाना पड़ता है दवा के लिए। ज्यादा समय आप लोग जो है अस्पतालों में गुजार रहे हैं? हाँ, हकीकत है वही है, इतना मच्छर आप देख रहे हो सामने, इतना डंपिंग ग्राउंड जैसा, इतना मच्छर, आप 10 मिनट खड़े हो जाइए, आपको खुद इतने मच्छर काट लेंगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। हाँ, आजू बाजू हमेशा पानी निकलता रहता है गटर से। कुछ युद्ध भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। जिस तरीके से आसपास में कॉलेज की अगर हम बात करें की जा रही है, तो वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, तो आप लोगों पर कितना असर पड़ता है जब इस तरीके की चीज़ें आसपास में माहौल बना रहता है? तो असर तो बहुत पड़ता है, यहाँ पे बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। अभी हमारे पिताजी 10 दिन पहले बीमार हुए थे, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया था, टाइफाइड मलेरिया निकला। यहाँ पे गंदगी के सफाई के नाम पे तो कुछ नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वच्छ इंडिया, यहाँ पे स्वच्छ इंडिया क्या भ्रष्ट है, यहाँ पे बना के रख दिए हैं यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो गवर्नमेंट के हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए तो नाली एकदम 2-3 दिन के बाद साफ करें वो होता है, तो 2-3 दिन बाद जाम भी हो जाता है,
पूरा रोड पे पानी होता है। यहाँ पे थोड़ी दूर पे स्कूल है, यहाँ पे जूनियर केजी से लेकर डिग्री तक स्टूडेंट आते जाते हैं, छोटे बच्चे सबको वो नाली गंदगी में पैर रख के जाना पड़ता है, पार करना पड़ता है। अगर किसी के पेरेंट्स नहीं आए तो वो बच्चे पानी में ही जाएंगे, और अगर किसी के पेरेंट्स आए तो उनको पार तो करा ही देते हैं। और यहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे पानी एक घंटे के लिए हफ्ते में आता है, एक या दिन या दो दिन, वो भी टाइम फिक्स नहीं है। रात को 1 बजे भी आता है, दोपहर को 1 बजे भी आता है, और वो कब जाए उसका कोई लिमिट नहीं है। और पानी कितना कौन भर लिया या कौन है घर पे कौन नहीं है, पानी की समस्या ज़्यादा है। और रोड का तो यहाँ पे एकदम बेकार है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्वच्छता अभियान जो है पूरे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था, कई लोग ऐसे थे, अगर सेलिब्रिटी की अगर हम बात करें तो सारे लोग सड़क पर निकले थे, झाड़ू हुआ, सारी चीज़ें हुई, नाम जो है फोटो जो है छपा, उनका अखबारों में आए, न्यूज़ में बने, उसके बाद ये स्वच्छता अभियान कितना आपके इलाके में हुआ? जीरो पे एकदम, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आज तो वैसे देखा, आप बहुत अच्छी जगह पे आए आज, आज गाड़गे महाराज की जयंती है आज, उनको तो मैं तो नमन करता हूँ, उनका कार्य यदि करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि स्वच्छ इंडिया, काय का स्वच्छ है, इधर कुछ भी नहीं है, सब गंदगी है हमारे एरिया में। हमारे एरिया में अगर नाम निकाला कोई लोग आता भी नहीं, इधर रिक्शा वाला भी आता है तो उधर कम से कम 1 किलोमीटर उधर ही छोड़ देता है, वहाँ से हमको पैदल आना पड़ता तुम्हारा एरिया में रास्ता बराबर नहीं करके। और ये लोग सब सुविधा लेता है ऊपर से, लेकिन हमारे तक पहुँचता ही नहीं मैडम। केवल सड़क की वजह से आप लोगों को 1-2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है? हाँ जी, जरूर आना पड़ता है। कोई मेहमान लोग आता है तो फोन करता है तो बाबा किधर, इधर तक रिक्शा पकड़ो, बाद में पैदल चलना पड़ेगा, ऐसा अपन कंडीशन होता है। आप अंकल कितने साल से इधर रह रहे हैं, कितनी बार कितने किलोमीटर चल के आते हैं रोज? कम से कम 1/2 किलोमीटर चल के आते पैदल। पैदल क्यों आना पड़ता है? पैदल रोड लोग बोलते हैं, नाली बताता है, सब करते है, किधर नाली बना किधर रोड बना, अभी तक कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा गटर पानी आता है जिधर रहता है जिधर। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सड़क पर लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चल के आना पड़ता है, क्योंकि सड़क ऐसी है उसकी वजह से जो है यहाँ पर कोई साधन जो है उन्हें नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें पैदल कई किलोमीटर चलना पड़ता है। आप कितने किलोमीटर रोज चलती हैं पैदल? जब यहाँ के रास्ते की अगर हम बात करें, अगर रास्ता नहीं है तो कितने किलोमीटर पैदल चलती हैं? अभी स्टेशन तक तो बहुत 5-6 किलोमीटर है, उतना कभी रिक्शा आता नहीं आता, अभी ये तो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कम है, लेकिन अभी क्या है बारिश नहीं है, बारिश नहीं वजह से रिक्शा आ भी जाती है, लेकिन बारिश में कोई हमारा हम लोग को अंदर छोड़ता ही नहीं, स्कूल को बच्चों को आने जाने को तो इतना तकलीफ होता है, कोई बच्चा गिर जाता है। तो आपसे जानेंगे कितनी तकलीफ होती है, यहाँ से कितने किलोमीटर रोज आप पैदल चल कर आती हैं? यहाँ से तो मतलब 2 किलोमीटर से यहाँ तक आते हैं, लेकिन बीच में जो है ना ऑटो लेके आते नहीं है, तो उसमें से हम लोग गाड़ी लेके आते हैं। और बारिश की वजह से पानी अगर भरा हो तो बच्चे स्कूल से बच्चे छूटते हैं ना, तब बहुत आने में दिक्कत होती है, पानी में बच्चे गिर जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है आने में, हम लोग फिर गाड़ी छोड़ के पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि बच्चों स्कूल के छूटे रहते हैं और जहाँ वहाँ पानी रहता है सब डर लगता है, बच्चे कहीं गिर जाते हैं कीचड़ में इसकी वजह से। और हमारे यहाँ तो कचरे का ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं यहाँ कितना कचरा पड़ा है। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं आप, यहाँ पर लोगों की समस्या बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पर असुविधा बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही, कल किसी अन्य इलाकों में आपके साथ होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।